गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th। कल जैसा कि सेकेंड पेपर में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट कल आपको हमने पढ़ा एल्युमिनियम की बनाने की, बॉक्साइट बनाने की प्रमुख तीन विधियां बताएंगे कौन कौन। पहला नंबर हॉल विधि, नंबर दो बेयर विधि, नंबर तीन सरफेस विधि। अगर किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इन तीनों विधियों में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई विधि कठिन लग रही हो, समझ में ना आई हो, तो आप हमें बता दें, उसको दोबारा समझा दें, ठीक है? दोबारा समझा दें, अगर किसी को समझ में ना आई हो तो हमें बता दें, ठीक है? अगर आ गई हो तो फिर आप इसी के आगे पढ़ाना शुरू करें। किसी को पूछना है तीनों विधियों में कुछ, और विधि, बेयर विधि और सरफेस विधि, इन विधियों में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट विधियां थी, हॉल बेयर और सरफेस विधि। नहीं पूछना है तो आज हेडिंग आपको आगे डालना है वही एल्यूमिना के गुण, यानी कि एल्यूमिना फार्मूला होता है AlO3। एल्यूमिना कहते हैं या पूरा इसका रासायनिक यानी अयस्क होता है ऑक्साइड, इसका सूत्र Al2O3 2H2O, ये होता है पूरा ऑक्साइड, ये होता है केवल एल्यूमिना। तो ऑक्साइड की तीनों विधियां पढ़ाएंगी आपको, हॉल विधि, बेयर विधि और सरफेस विधि। इन विधियों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना समझ में आ रहा तो पूछो, अगर पूछना हो तुमने तो उसके आगे आज आपको हेडिंग पढ़ाएंगे, हेडिंग कर लो गुणधर्म यानी इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं दो दो, ठीक है? क्योंकि मेन इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में पूछता कहता है ऑक्साइड के हॉल विधि बनाने का मेथड दीजिए, या एल्यूमिना या कह सकते एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सरफेस विधि बनाने का मेथड लिखिए, या कह सकता है एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बेयर विधि का मेथड लिखिए, ये पूछता है। तो डालो हेडिंग गुणधर्म नंबर एक, लिखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जल में आग ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह रहे बेटा एल्यूमिना कह रहे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जल में आग ले सफेद सफेद पाउडर होता है, सफेद पाउडर होता है, सफेद पाउडर होता है। दूसरा, एल्यूमिना एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्यूमिना एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तीसरा नंबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्थायी पदार्थ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्थायी पदार्थ है जो बहुत कठिनाई से अपचयित तो होता है, जो बहुत कठिनाई से अपचयित तो होता है, कठिनाई से अपचयित तो होता है। चौथा पॉइंट, एल्यूमिना 800 डिग्री सेल्सियस से, एल्यूमिना 800 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर गर्म करने पर बहुत निष्क्रिय और अम्लों में आविलेय हो जाता है, आविलेय हो जाता है, आविलेय हो जाता है, आविलेय हो जाता है। चार पॉइंट हो गए बेटा। पांचवा पॉइंट लिखना है, सोडा लाइम से क्रिया, NaOH से क्रिया, इसकी एल्यूमिनियम
ऑक्साइड की एलुमिना की Al2O3 किससे क्रिया कर रहा है एनियोड, इसको हम एलुमिना भी बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है Na2AlO2 नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, अगर H है O है तो जल, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। इसको बैलेंस करने से पहले Al2 है, यहाँ दो लग गए Al2 Al, Na2 Na2 हो गए Al2 हो गए। अब आपके ऑक्सीजन 2, 3, 5 ऑक्सीजन 2, 2, 4, 5 दो हाइड्रोजन है तो नोट कर लो, लास्ट नंबर लिख लो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सबसे पहले आपको पता है पढ़ रहे हैं Al2O3 एलुमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे H2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा AlSO4 की होल थ्राइज, Al2SO4 की होल थ्राइज, यानी यहाँ 3 लग जाएंगे क्योंकि Al2 SO4 की होल थ्राइज, 6H बचे 3 हो बचे प्लस 3H2O, इसका नाम बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट नोट कर, एल्यूमिनियम सल्फेट। जल्दी से नोट कर लो, फिर यूज लिख लो उपयोग, फिर अगली एडिंग पढ़ाते हैं हम आप लोगों को। लिख लो जल्दी से, हो गया तो हेडिंग लिख दी है बेटा, बता लो एल्यूमिना के उपयोग, हेडिंग डालो एल्यूमिना के उपयोग Al2O3 एल्यूमिना के उपयोग, हेडिंग डालो एल्यूमिना के उपयोग यूज, पहला उपयोग लिखिए एल्यूमिना के उपयोग। देखो पहला उपयोग एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में, दूसरा कृत्रिम जैम आदि के निर्माण में, कृत्रिम जैम आदि के निर्माण में, तीसरा यौगिकों के पृथक्करण में, यौगिकों के पृथक्करण में, यौगिकों के पृथक्करण में। इस तरह से आपका एल्यूमिना Al2O3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग आज आपको आगे पढ़ाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसका अर्धसूत्र होता है, अर्धसूत्र होता है AlCl3, AlCl3 या एक नाम और देते हैं Al2Cl6, इसको दोगुना कर दो Al2Cl6, ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको हेडिंग डालना है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड,
हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि, यानी कि चैप्टर 5 चल रहा ना सेकेंड में ओरल फैमिली, कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। लिखेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने की विधि। लिखिए फर्स्ट नंबर, देखो एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर, एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर, क्लोरीन के साथ गर्म करने पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनती है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनती है। चल देखो पहला नंबर, सबको पता है एल्युमिनियम का सूत्र Al होता है, क्लोरीन का सूत्र Cl2 होता है, इसके साथ हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 जो है डाली, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको Al लिखा है, Al लिखे Cl3 Cl2, तो सबसे पहले यहां दो लगा के Al2 कर दिए, Al2 कर दिए, Cl3 6 कर दिए, Cl3 6 कर दिए, और कर सकते हो पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर लिखे। बोले लिखिए सेकेंड नंबर बेटा, लिखिए एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, एल्युमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या लाइट आ रही, देखो बस सर उनका मन है क्या बेटा, एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, इसके भी साथ गर्म करवा रहा है तो बन जाएगा AlCl3 प्लस, क्या बचा अब देखो Al एक है, Al एक है, अगर तीन लगा दोगे तीनों में लेकिन तीन H बाहर नहीं निकले, सबसे पहले यहां दो लगाओ, Al2 Al2 Cl6 हो गए, 6 लगा दो Cl6 हो गए, H6 बचे प्लस H2S6 हो गए, ये भी एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, नोट कर लीजिए। फिर आगे लिखो, नोट कर लो तीसरा नंबर पर, बोले नंबर 3, हो गया बेटा तीसरा नंबर लिखिएगा, नंबर 3 लिखो, एल्युमिना को, एल्युमिना को, एल्युमिना को कार्बन और क्लोरीन के साथ, कार्बन और क्लोरीन के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस पर, 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। देखो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, एल्युमिना पीछे पढ़ाया पूरा, Al2O3 को किसके साथ, कार्बन और किसके साथ बताओ, क्लोरीन के साथ, वेरी गुड, तो क्लोरीन के साथ गर्म करने के बाद उच्च ताप स्पर्श कह दिया 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है Al2Cl6, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों के नाम से मैंने बताया था
सी के साथ ओ बड़ा हो तो नाम बेटा कार्बन मोनो ऑक्साइड, अगर छोटा हो तो दो वाला, एल दो है एल दो हो गए, सी एल छह हो गए तीन लगा दो सी एल छह हो गए, तो ओ तीन सी तीन, तो सी तीन ओ तीन, नोट कर लीजिए जल्दी से फिर चार नंबर ऐड निकालो, नाम सबके लिखे जहां भी आपको समझ में ना आए हमसे तुरंत पूछ सकते हैं सर यहाँ पे समझ में ना आया आप बता दो, ये पता है एल्यूमिना कार्बन क्लोरीन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और कार्बन मोनोक्लोराइड बनता है, ठीक है। एक और लिखाएं लास्ट बस, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने में चार चार विधियां लिखवा दी, पेपर में आपको जो याद आ जाए वही करके आना, ठीक है, जहां जो प्रॉब्लम हो बता दें उसको फिर से रिविजन करवा दें, ठीक है। लिखिए फिर इसी बात पे चौथा एंड लास्ट नंबर नोट कर लो, पहले इसको लिख लीजिए, सबने कर लिया नोट, सभी बच्चों ने हो गया, तो लिखो चार नंबर, लिखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, ए एल ओ एच पी होल थ्राइस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एस सी एल के साथ, एच सी एल के साथ क्या करना है गर्म करना है, क्या बन जाएगा ए एल सी एल थ्री एल्युमिनियम क्लोराइड, यहां पर थ्री लगना कर पर एल सी एल थ्री हो गए, ओ तीन एच तीन तीन छ, तो थ्री एच टू ओ छ एच और तीन ओ, ये होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, नोट कर लो चारों बनाने की विधियां हो गई एल्युमिनियम क्लोराइड की, कल इसके सारे गुणधर्म यानी कि भौतिक गुण रासायनिक गुण पूरे हो जाएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के, इस तरह से कल की क्लास के बाद